हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर पटना पाइस और तमिल थलाइवा के बीच में मैच हुआ तो कौन सी टीम जीत सकती है। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, इन दोनों के बीच में तीन मैचेस होगी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के बीच में कम से कम तीन मैचेस होगी, क्योंकि तमिल थलाइवा और पटना पाइस दोनों एक ही जोन में, जो अपने अपने जोन में रहते हैं, छह टीम से तीन तीन मुकाबले खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीन मुकाबले, जैसे पटना पाइस तमिल थलाइवा से तीन मुकाबले खेले, अगर उसके बाद पटना पाइस और तमिल थलाइवा दोनों प्लेऑफ में पहुंच गए तो उसके बाद भी वो मैच खेल सकते हैं। अगर नहीं पहुंच पाए दोनों में से कोई एक, तो प्लेऑफ से पहले ये दोनों टीमें अपने आप से तीन मुकाबले खेलेंगी, और प्लेऑफ में गई तो आगे के मुकाबले तो अब पता चलेगा उसी समय। वैसे तो दोनों ही टीम बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही टीम के रेटिंग से लेकर डिफेंस दोनों ही चीज बराबर लग रही है, बस थोड़ी सी कवर में इधर उधर है दोनों टीम में। और आप वीडियो में अंत तक बने रहे और आप जान जाएंगे इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम है बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम है सबसे स्ट्रॉन्ग। तो चलिए पहले देख लेते हैं दोनों टीमों की रेडिंग, आखिर कैसे इन दोनों टीमों की रेडिंग। बात करें पटना की रेडिंग के बारे में, तो प्रदीप नवाल मेन रेडर के रूप में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, और बैकअप रेडर में दो रेडर इनके पास है सबसे अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक है जैनकुली और दूसरे है मसूदलू। मुझे ऐसा लगता है कि जैनकुली से अच्छा मसूदलू खेलेंगे, तो इसलिए सेकंड रेडर के रूप में रहेंगे मसूद। ये तो बात हो गई पटना की रेडर की। अब चलिए देख लेते हैं तमिल थलाइवा की रेडर को। तमिल थलाइवा की टीम में मेन रेडर के रूप में हमें दिखाई देंगे अजय ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, अजय ठाकुर दिखाई देंगे, और इनके सेकंड रेडर रहेंगे राहुल चौधरी, और थर्ड रेडर के रूप में रहेंगे सकीर बाबू। या सकीर बाबू से अच्छा ये लोग कोई नए प्लेयर को रख लें, क्योंकि सकीर बाबू उतने अच्छे रेडर नहीं हैं, और इनका सीजन 4 से रेडिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, नहीं तो ये पहले बहुत ही अच्छे रेडर थे। अगर बात करें रेडिंग में कौन सी टीम बाजी मारती है तो वो है पटना पाइस। जी हाँ दोस्तों, पटना पाइस की रेडिंग बहुत ही अच्छी है। पिछले सीजन में राहुल चौधरी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, जी हाँ दोस्तों, उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, और उनके टोटल पॉइंट थे 166। जी हाँ दोस्तों, 166 टोटल पॉइंट थे उनके। और अगर इस टीम में मसूदलू की बात करें तो मसूदलू बहुत ही ज्यादा अच्छे रेडर, मसूदलू बहुत ज्यादा अच्छे रेडर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छे रेडर, क्योंकि मैंने इन्हें दुबई मास्टर में खेलते हुए देखा था, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, और मसूदलू ने हर मैच में सुपर 10 लगाया था। जी हाँ दोस्तों, हर एक मैच मैंने उनका देखा था, तो उन्होंने हर एक मैच में सुपर 10 लगाया था, शायद ही कोई ऐसा मैच होगा जिसमें उन्होंने नहीं लगाया था। तो चलिए अब देख लेते हैं इन दोनों टीम का डिफेंस, आखिर डिफेंस में कैसी है दोनों टीम। पटना में इस साल दो तो बहुत ही अच्छे डिफेंडर जुड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक का नाम है सुरेंद्र नैना और दूसरे का नाम है हादी ओस्त्री, और हादी ओस्त्री ऑलराउंडर है, वो रेडिंग के साथ डिफेंस भी बहुत ही अच्छे कर लेते हैं, और हादी दोनों ही कॉर्नर पर खेल सकते हैं, दोनों कॉर्नर में से आप इन्हें कहीं भी खिला लीजिए तो ये खेल सकते हैं। और अगर कवर की बात करें तो कवर पे इनके पास है जयदीप और जवाहर, बहुत ही अच्छे रह जाएंगे, या विकास जगलान भी रह सकते हैं कवर पर। तो चलिए अब देख लेते हैं तमिल थलाइवा की डिफेंस, आखिर कैसे इस बार की तमिल थलाइवा की डिफेंस। तमिल थलाइवा की टीम में मंजीत छिल्लर और मोहित छिल्लर रन सिंह के जुड़ने से इनका डिफेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है। दोनों टीमों की डिफेंस में बराबरी का टक्कर होगा, हल्का सा पटना पीछे हो सकता है, लेकिन तमिल थलाइवा का डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। डिफेंस में थोड़े से के लिए तमिल थलाइवा बाजी मार रहा है दोस्तों, एकदम थोड़े से के लिए। और आपको कैसा लगा इस बार का पटना का डिफेंस, आपको अच्छा लगा या तमिल थलाइवा का डिफेंस, जाके मुझे कमेंट में बताइए। दोनों के बीच में मैच हुआ तो पटना का जीतने का चांस हल्का सा ज्यादा है, लेकिन तमिल थलाइवा भी जीत सकती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तमिल थलाइवा हार जाएगी, लेकिन तमिल थलाइवा के भी चांस है जीतने का, लेकिन थोड़ा सा पटना का मुझे ज्यादा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतेगी, तमिल थलाइवा या पटना पाइस, मुझे कमेंट में बताइए।